हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे हर बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। भारतीय संविधान अगर आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने ऑटोमेटिकली इसको अच्छे से पढ़ा है, डिस्कस किया है, तो उसके अंदर हम भाग की बात करते हैं, अनुसूचियों की बात करते हैं और अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसी में से आज हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब भारतीय संविधान बनाया गया तो उस समय जो अनुसूचियां होती थी वो 8 होती थी, और अब जब हम 2021 में डिस्कस कर रहे हैं तो अब इनकी संख्या 12 है। 8 अनुसूचियों में किस किस में क्या क्या है, 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं में क्या जोड़ा, 11वीं में क्या आया और 12वीं में क्या आया, इन सारी चीजों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक बार ध्यान से देखते हैं पूरे टॉपिक को। हिंदी में अनुसूचियां बोलते हैं और इंग्लिश में इसको शेड्यूल्स बोलते हैं। तो इन शेड्यूल में सबसे पहली बात आती है पहली अनुसूची की। भारतीय संविधान के अंदर भाग हों, अनुसूचियां हों या आर्टिकल हों, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। दूसरी चीज, स्टडी पोर्टल आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में कोरियर से पूरे भारत में आपको नोट्स पहुंचाता है। अगर आप KVS, DSSB, CTET, UPTET, SuperTET, हरियाणा TET, UGC NET, UPSC, HCS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पूरे इंडिया में कहीं भी नोट्स ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ऊपर आप बात करके या ऑर्डर कर सकते हैं नोट्स को। पूरे इंडिया में कोरियर से आपको ये हम भेज देते हैं। उसके अलावा आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, एग्जाम कौन सा देना है और सब्जेक्ट कौन सा है, ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी एग्जाम्स को लेकर के, कब एग्जाम होगा, कब वैकेंसी आएगी, क्या सिलेबस होगा, वो चीज़ें भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं अनुसूचियां। पहले अनुसूची में क्या है, पहले अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेश है। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं और उसके साथ जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, जैसे पहले राज्यों की संख्या 29 होती थी, फिर 28 हो गई, यूनियन टेरिटरी 7 होते थे, अब 9 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके एक प्रकार से यूनियन टेरिटरी की संख्या बढ़ गई और राज्यों की कम हो गई। तो ये समय समय पर बदलता रहता है। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं और जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं वो भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 1 में है, शेड्यूल नंबर 1 में है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत के राज्य और संघ संविधान की कौन सी अनुसूची में है। उसके बाद है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची सेकंड लिस्ट में क्या है, संचित निधि पर भारित वेतन। संचित निधि पर भारित वेतन यानी जिन लोगों को तनख्वाह या पेंशन या जिसको हम सैलरी बोलते हैं, तनख्वाह बोलते हैं, वो संचित निधि से दी जाती है, वे पदाधिकारी जिनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, उनको जो है पेमेंट है वो संसद की अनुमति नहीं चाहिए, यानी ये संचित निधि पर भारित है। जैसे आप मानोगे, मान लो ये संचित निधि है, तो यहाँ से दो तरीके से पैसा निकलता है। एक तरीके से पैसा निकलता है इन लोगों की, टैक्स फ्री लोगों की सैलरी के लिए, और दूसरा निकलता है बजट के लिए। हम यहाँ पर इनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या रहेगा। सबसे पहले केंद्र के राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के उपसभापति और सभापति, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेज हैं, चीफ जस्टिस और अन्य जज, CAG कैग हैं। राज्यों के अंदर राज्यपाल, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और हाई कोर्ट के जजेज, ये सारे वो लोग हैं जिनकी, अगर मोटे मोटे शब्दों में समझे ना आप लोग, इन सब की जो सैलरी होती है वो टैक्स फ्री होती है। जो टैक्स फ्री सैलरी वाले लोग हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो अब टैक्स फ्री सैलरी वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आएंगे, और जिन लोगों को टैक्स फ्री सैलरी दी जाती है वो सेकंड अनुसूची
या दूसरी अनुसूची शेड्यूल में आते हैं। इसमें आपके जितने भी नाम हैं वो सारे नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इन लोगों को टैक्स फ्री सैलरी क्यों मिलती है, क्योंकि इन्हें संचित निधि से सीधी सैलरी दी जाती है। तो ये चीज याद रखना, सेकंड अनुसूची में ये सारे लोग आएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सीएजी, कैग, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, और राज्यों के अंदर राज्यपाल, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के, विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और हाईकोर्ट के जजेज। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। थर्ड अनुसूची में क्या क्या है, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, जो ओथ दिलाई जाती है उसका ड्राफ्ट इसके अंदर है। केंद्र के अंदर बात करेंगे एमपी के उम्मीदवार, एमपीओ के लिए, एमपी के लिए, मंत्री के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, कैग के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान को शपथ मिलेगी। राज्यों के अंदर देखेंगे एमएलए और एमएलसी के लिए, एमएलए एमसी के बनने के बाद मंत्रियों के लिए और हाईकोर्ट के जजेज के लिए। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, जो ओथ का है, जिसको आप लोग शपथ बोलते हो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जो इन सारे के सारे लोगों को जो यहाँ पर लिखा गया है, इनकी शपथ का प्रावधान जो है वो आपके संविधान के अनुसूची नंबर 3 में है, शेड्यूल नंबर 3 में है। इसमें एमपी के उम्मीदवार, फिर एमपी बनने के बाद, फिर मंत्री बनने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, फिर कैग के लिए, एमएलए एमएलसी के उम्मीदवारों को, फिर एमएलए एमएलसी बनने पर, फिर उनके मंत्री बनने पर, फिर हाई कोर्ट के जजेज के लिए। तो ये आपका तीसरी अनुसूची में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, या फिर आप ये कह सकते हैं आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ की बात होगी, 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ की बात होगी, आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ है, राज्यसभा के सभापति, रूप सभापति, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और इनके लिए, यानी ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये आपका, इन सब के ओथ की जो बात है वो शेड्यूल नंबर 3 में है। हालांकि राज्यसभा के सभापति, रूप सभापति, लोकसभा के डिप्टी, डिप्टी स्पीकर, इनके लिए कोई अलग शपथ की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों को अपने पद के लिए ऑलरेडी शपथ मिल चुकी होती है। अब बात करते हैं हम चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में क्या क्या, ध्यान से देखिएगा, चौथी अनुसूची में कौन सी चीज की व्यवस्था है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, क्योंकि राज्यसभा की फिलहाल अगर हम बात करें 2021 पर मार्च के अंदर जब वीडियो बना रहे हैं, अभी जो 245 टोटल सीटें हैं राज्यसभा की, इनका बंटवारा कैसे होगा, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीटें मिलेंगी, तो ये बंटवारा कैसे होगा, ये सारे का सारा जो वर्णन है ये आपकी संविधान की चौथी अनुसूची या फोर्थ शेड्यूल में है। फिर हम बात करेंगे पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठी अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, इसमें आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो स्पेशल स्टेट्स हैं उनकी बात हो रही है। सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र व राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा, इसमें आपका संघ सूची है, राज्य सूची है, संवृत्ति सूची है, अवशिष्ट सूची है, ये सारे का सारा वर्णन जो है वो सातवीं शेड्यूल या सातवीं अनुसूची में है, जिसमें केंद्र को संघ सूची, जिसमें सेंटर को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची, राज्य सूची को कानून बनाने का अधिकार है, समवर्ती सूची दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, और फिर उसके बाद अवशिष्ट सूची जिसमें सेंटर को है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए, जिसमें वन, वन्य जीव, नापतोल की इकाइयां, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सी संशोधन के द्वारा 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती में कर दिए गए, तो उसमें आपका वन, वन्य जीवन, नापतोल की इकाई, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा, और इससे कमजोर कौन हुआ, राज्य कमजोर हुए। और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो दोनों को अधिकार है, लेकिन जब दोनों के कानून अपोजिट होंगे तो पावर किसके पास आएगी, संघ के पास आएगी, तो इसमें सेंटर मजबूत हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में, ये है आपकी 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में क्या है, इसमें संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है
वो सारी 8वीं अनुसूची में है। मूल रूप से इनमें पहले 14 भाषाएं थी। अगर ये क्वेश्चन आए ना कि पहले कितनी थी, तो पहले इसमें 24 थी और वर्तमान में बात करेंगे तो 22 हो चुकी हैं। एक चीज और देखिएगा, जो 14 भाषाएं थी वो अगर आपकी बात हम करें तो वो 1950 के अकॉर्डिंग थी, लेकिन हम आज की अगर बात करें 2021 के अंदर तो इनकी संख्या 22 हो चुकी है। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है किसी में कौन सी भाषा में कब, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया और कब, ये 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 16वीं भाषा के रूप में कोंकणी को जोड़ा गया और इसको 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 17वीं भाषा मणिपुरी, जो सेम इसी के साथ। 18वीं भाषा में नेपाली, सेम इसी के साथ। 19वीं भाषा के रूप में बोडो को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 20वीं डोंगरी, सेम। 21वीं मैथिली, सेम इसी के द्वारा। और 22वीं भाषा संथाली, जो 92वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये तो है ही है कि पहले कितनी थी और अब कितनी है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। पहले तो ये पूछेंगे कि शुरू में कितनी थी, 14 थी। पहली बार किस भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। और लास्ट वाली संथाली है, जो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया। ये चीज भी आपको याद रखनी है। हिंदी 8th शेड्यूल में अनुसूची में शामिल है, ये भी आपको याद रखना ऑटोमेटिकली। और इंग्लिश जो है वो इस शेड्यूल में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि इंग्लिश जो है वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन हिंदी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 8 अनुसूचियां तो पहले थी, 8 शेड्यूल, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को जोड़ा गया। तो 9वीं के बारे में देख लेते हैं। अधिनियमों को न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षण, जो कानून है उनको जुडिशियल रिव्यू से उनकी सुरक्षा हो सके, उनका प्रिजर्वेशन हो सके, संरक्षण हो सके, ये इसके अंदर है। जिन अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। न्यायिक पुनर्विलोकन को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जब भी संसद कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस कानून का रिव्यू कर सकता है और उस कानून के अंदर कोई कमी है तो उसको रद्द कर सकता है, उस कानून की कोई धारा में दिक्कत है तो उसको भी लाइन वीटो कर सकता है। इसको न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। लेकिन 9वीं अनुसूची में जिन जिन अधिनियमों की बात होगी उनके ऊपर ये न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। यह अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा पारित की गई कब, अगर ये पूछे कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई तो आपका आंसर होगा 1951 में। पहला ही संविधान संशोधन जो है वो 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए किया गया था। इसके अलावा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, ये भी याद रखना। पहला संविधान संशोधन था जिसमें पहली ही अनुसूची को जोड़ा गया 8 के बाद 9वीं को, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और भूमि सुधारों को लागू करने के लिए शेड्यूल को जोड़ा गया था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा मूल रूप से इसमें 13 अधिनियम थे, लेकिन कालांतर में इनकी संख्या बढ़कर 282 हो गई, ये भी याद रखना। और अगर वर्तमान में देखेंगे तो धीरे धीरे करके हर रोज इनकी संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा कोरदोवाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो अधिनियम 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं उनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अब याद रखिए 1973 के बाद जो भी अधिनियम इसके अंदर काउंट किए गए हैं, जोड़े गए हैं, ऐड किए गए हैं, उनके ऊपर पुनर्विलोकन हो सकता है, क्योंकि इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद पर निर्णय दिया तथा इसमें संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा दी गई थी तथा यह माना कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का बुनियादी ढांचा है तथा इसे कम नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जुडिशियल रिव्यू जो है उसमें कमी नहीं होगी, इसलिए उसके अधिकार को बढ़ाकर इस शेड्यूल को कमजोर कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर आप अनुसूची नंबर 10, शेड्यूल नंबर 10 की बात करेंगे तो ये दल बदल विरोधी प्रावधान, जो दल बदल कानून विरोधी कानून है उसके बारे में है। कोई भी सांसद अपने कार्यकाल के दौरान दल नहीं बदल सकता, यदि कोई दल बदलता है तो उसकी संसद की सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन किसी दल के 2/3 सदस्य
एक साथ दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। इसे दल का विलय माना जाएगा, न कि दल बदल माना जाएगा। निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, यह भी याद रखना है। बाहर से समर्थन दे सकता है, निर्दलीय सदस्य किसी भी दल को समर्थन दे सकता है, जिसे बाहर का समर्थन बोलते हैं। मनोनीत सदस्य 6 महीने के अंदर भीतर किसी दल की सदस्यता ले सकते हैं, उसके बाद जो है वो नहीं ले सकते, यह भी याद रखना। यदि कोई सांसद व्हिप जारी करता है या उसका उल्लंघन, यदि कोई सांसद व्हिप का उल्लंघन करता है, कोई भी पार्टी व्हिप जारी करती है, सचेतक जारी करती है, उसका उल्लंघन करता है, तथा तो राजनीतिक दल 15 दिन में उसे क्षमा नहीं करता, तो इसे भी दल बदल माना जाएगा। यह भी याद रखना है, व्हिप जारी करने का मतलब है कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई राजनीतिक आदेश जारी करती है। जैसे मान लो किसी मामले पर वोटिंग करने का है, किसी पर वोटिंग नहीं करने का है, वो उनका राजनीतिक फैसला होता है। अगर व्हिप जारी कर दे और कोई सदस्य उसका उल्लंघन कर दे और दल उसको 15 दिन तक माफ ना करे, तो इसे दल बदल कानून का उल्लंघन माना जाएगा, और दल बदल माना जाएगा, उस कानून का उल्लंघन माना जाएगा, और उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त होगी। दल बदल के मामले में निर्णय सदन का अध्यक्ष सभापति लेता है, लेने उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती जो है, ये याद रखिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल मामले में निर्णय कौन लेगा, सदन का अध्यक्ष लेगा या उपाध्यक्ष लेगा या सभापति या उपसभापति लेगा, लेकिन उसके निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह अनुसूची 52 CA के द्वारा जोड़ी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 52 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और 91 में संविधान संशोधन से इसमें कुछ बदलाव भी कर दिए गए। अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 11 की, 11th शेड्यूल की बात करते हैं। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषय शामिल किए गए, कुल 29 विषय इसके अंदर दिए गए हैं। राजस्थान में अब तक 29 में से 22 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दिए जा चुके हैं। यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में इसको, इस अनुसूची को जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की बात है, और 12वीं अनुसूची जो है उसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल आप लोग कॉरपोरेशन के साथ साथ काउंसिल को भी काउंट करोगे। शहरी निकायों को इसमें शामिल किया गया, कुल 18 विषय इसके अंदर हैं, और 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको शामिल किया गया। अब जो शुरू के अंदर जो 8 अनुसूचियां होती थी, आज अगर हम बात करें तो अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। तो लेटेस्ट अगर पूछा जाए तो आपका आंसर 12 रहेगा, मूल संविधान में पूछेंगे तो आपका आंसर 8 रहेगा। तो ये सारी की सारी वो अनुसूचियां थी जिनके बारे में हम लोग अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल कोरियर से जाता है, आप लोग घर बैठे ऑर्डर कीजिए, सेल्फ स्टडी से तैयारी कीजिए। जिस टॉपिक में दिक्कत आती है उसके बारे में बता दीजिए, हम उसके बारे में वीडियो अपलोड कर देंगे, यानी आपके सभी डाउटों का जो समाधान है या सभी डाउट्स जो आपके क्लियर किए जाएंगे। जितने भी आप लोग सीरियस होकर तैयारी करेंगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। ध्यान रहे, 2020 में कोरोना की वजह से वैकेंसियां नहीं आई, लेकिन 2021-22 में भरमार है वैकेंसियों की। अगर ठीक से मेहनत करेंगे, 5-6 महीने अपने हर वैकेंसी की तैयारी के लिए लगा देंगे, तो सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हर प्रकार की वीडियो आपको इसको चैनल पे मिल रही है, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, सब वीडियोज आपको चैनल पर मिल रही है। अगर कोई और सब्जेक्ट की, कोई और स्पेशल टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसी टॉपिक की वीडियो आपके लिए ले आएंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।